गाइस, अब ईद का फोर्थ डे है और हम लोग बीच पे जा रहे हैं, सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह की 10 o'clock हो रही है और अरेबिक ब्रेकफास्ट हमने रूम में ही मंगवा लिया था, इसके बाद में हम जा रहे हैं बीच के लिए रेडी होके। गाइस मुझे बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी है। व्लॉग्स अपलोड करने में मैं थोड़ी सी डिले हो गई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए हम लोग, मैंने जैसे बताया, हम लोग कॉर्निश पे जा रहे हैं। आदिल और साइन वहाँ पर जा रहे हैं और जयान मेरे साथ है। इसको मुझे पकड़ने में ही 4-5 मिनट लग गए हैं और ये भाग रहा था इस वजह से। तो खैर बीच पे चलते हैं और आपको बीच का व्यू दिखाती हूँ मैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है और क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या क्या एडिशंस होने चाहिए। तो मुझे आपके कमेंट्स से, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हमने अपना सफ़र किया शुरू। तो अब जो है कॉर्निश पे हम लोग जा रहे हैं। लोकेशन लगाई है एक जगह की जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स दूर है, और वहाँ पर पहुँच के तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हम लोग कॉर्निश पे आ गए हैं। ये बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ है और सामने मैं आपको बीच पे लेके चलती हूँ। सो लेट्स गो। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है जी बेबी। कहाँ से सर्दी आ गई। तो कॉर्निश का व्यू देखने के बाद और बच्चों को राइड्स दिलाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मरसल अल एहलाम जद्दा कॉर्निश पे। तो गाइस उस वाले बीच से हम लोग निकल के आ गए थे, रास्ते की भी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। एक्चुअली वहाँ पर शिपिंग, बोटिंग, जेट स्कीज वगैरह नहीं थी, तो इसलिए हम लोग ये डिफरेंट जगह है वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिप्स हैं, बोट्स हैं, क्रूज है, और व्यू बहुत ही आला है। और ये अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। यहाँ बोटिंग की जो प्राइस है वो 275 हाफ और के लिए है, और अगर आपको 1 और के लिए बोट चाहिए तो उसकी प्राइस 500 है। जेट स्कीज जो है आपको हाफ और के लिए 280 में मिलेगी। और इस वक्त जो है 6:10 हो रहे हैं और सनसेट का टाइम है। बहुत ही प्यारा व्यू है। और यकीन माने आप लोग के बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जद्दा में, लेकिन जब हमने बोटिंग की तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। एक्चुअली हवा भी आ रही थी, पानी भी था और सनसेट का टाइम था, तो सब कुछ जो है मिक्सअप होके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने। इवन बच्चों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप अपना भी एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में।
बोट में सॉन्ग्स भी लगे हुए थे। और अगर आपको वो वाली वीडियोस देखनी है तो आप मेरा टिकटॉक जो है वो फॉलो करें, टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पर मेरी वीडियोस देखें। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे वॉल्यूम ज़ीरो करना पड़ा, वरना तो फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। आप लोग भी बीच साइड पर जाएँ तो लाजमी बोटिंग करें, ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है और बहुत ही मज़े का होता है, और ख़ास करके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। जयान ने बोट में इन्जॉय भी किया और डांस भी किया, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ओरिजिनल वीडियो जो है वो टिकटॉक पे आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हमारी बोटिंग का टाइम अपने इख्तिताम पर हुआ जाता है। डाल के चले जाए टाइम को, बिठा दो इसको और हम गाड़ी में चले जाए। आप रहोगे? हाँ। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी और हम लोगों ने एक देसी रेस्टोरेंट के बारे में सुना था कि बहुत टेस्टी खाना होता है मक्का रेस्टोरेंट का, तो अब हम यहाँ पर आए हैं और अब ऑर्डर देने लगे हैं। ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने मटन मखनी कढ़ाई दी है, मिक्स वेजिटेबल और चना डाल दिया ऑर्डर। वेटिंग 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 एंड फाइनली खाना आ गया, रायता, सलाद, मटन कढ़ाई और बटर नान, और ये है मिक्स वेजिटेबल और ये है दाल चना। तो गाइस खाना खा के वापस आ गए थे हम होटल में, अब बच्चों को पूल साइड पे लेकर जा रही हूँ मैं, तो मैं और मेरे साथ दोनों बच्चे हैं, ये साइम और जयान से। हेलो, तो अब पूल साइड पे चलते हैं, लेट्स गो। फिटनेस हेल्थ सेंटर लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे जो है पूल साइड है, सो हम लोग पूल साइड पे चलते हैं। सॉरी गाइस, वीडियो सही नहीं बन सकी थी और टाइम भी फिनिश हो गया था पूल साइड का, सिर्फ 15 मिनट्स थे मेरे पास, तो इसलिए मैं सही से वीडियो बना नहीं सकी। उसके बाद में हम रूम में आ गए और रिलैक्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ में कुछ स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं, और इसके बाद में सो जाएंगे और सुबह हम लोग वापस रियाद के लिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग रियाद के लिए वापस जा रहे हैं, रास्ते में रुके थे और ये कुछ मॉन्कीज वगैरह दिखे थे तो इनको चॉकलेट और चिप्स खिला रही हैं, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।